की रिपोर्ट। दतिया शहर से 10 किलोमीटर दूर कलेक्टरेट भवन पहुंचने के लिए आम नागरिक और गरीब जनता 100 से 500 रुपए खर्च कर कलेक्टरेट भवन पहुंचती है, तो चपरासी और बाबू द्वारा यह कर टरका दिया जाता है कि आज नहीं कल आना, आज साहब नहीं है। यही मामला आज कलेक्ट्रेट भवन पर 3:30 बजे सामने आया, जब एक गरीब परिवार अपने राशन कार्ड का नंबर को लेकर कंप्यूटर पर दर्ज कराने के लिए लगभग 1 वर्ष से कलेक्ट्रेट भवन के चक्कर लगा रहे हैं। जब हमने पात्रता पर्ची को लेकर सीमा कुशवाहा और बलवान कुशवाहा निवासी सेवड़ा चुंगी दतिया से बात की, तो उसने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि संबंधित अधिकारी और कर्मचारी चक्कर लगवा रहे हैं। ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बाबू के पास जाकर महिला ने अपनी समस्या बताई, तभी महिला को कह दिया, जाओ जो तुम कर सको तो कर लो, तुम्हारा काम नहीं होगा। जब हमने संबंधित अधिकारी वीडी धाकरे की जानकारी मांगी, तो खाद्य अधिकारी ऑफिस से नदारद थे। खाद्य अधिकारी के ऑफिस जब हमने सीट पर बैठे बाबू से जानना चाहा कि इस महिला से इस तरह अभद्रता क्यों की जा रही है, तो संबंधित बाबू कुर्सी छोड़कर भागते नजर आए। दतिया से राकेश सिंह सिसोदिया की रिपोर्ट। भगवान का सब कही अभी है, कही जो कह रहे थे का कर पे, बोले वो ऊपर ऐसे नहीं आ रही, बोले पर्ची। हां, क्या समस्या है, क्या बनने आ रहा है? पात्रता पर्ची बनने राशन पानी राशन बनी नहीं है, नहीं बनी, साल भर की आ रहा जय कह रहे धरता मम्मी ना कागज जमा करेगा, फिर कागज कहां है आपके पास, है फोटोकॉपी है उनकी, फोटोकॉपी आईडी अभी बता कागज ने जी आईडी हमारी कागज नहीं लिया, हम जमा करेगा इनामी चैन वो रहे अलग, अभी नहीं जाए, कल ले आ रहे हैं आप। का नाम है सीमा कुशवा, कौन के नाम से है कार? बलवान कुशवा के नाम से। कहाँ बलवान? वे खड़े संग बोला, क्या समस्या भैया? राशन कार्ड की है सर, बन नहीं रहो। हाँ, सबसे परेशान साल वाले साल को यही कर गए थे, 2-3 मिनट यही कर गए, ये कह रहे थे कैसे नहीं कर पा रहे, कौन गई जो भाई साहब अभी बोले के गए थे कमरा में, हमसे हमसे खुद बोली बनने।